है, इनको भी सत्ता से बाहर करें। राजस्थान में भी बजरंग दल को बैन करेंगे क्या? राजस्थान में आप मान के चलिए कर्नाटक और राजस्थान कोई अलग अलग नहीं है, हम बिल्कुल अगर करना यहाँ भी अगर ये अपराध करेंगे और गलत काम करेंगे तो यहाँ भी हम लोग विरोध करेंगे। वो पार्टी बैठ के डिसीजन करेगी, क्योंकि मैं भी एक पार्टी का एक सिपाही हूँ। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो पार्टी के सिपाही के नाते बोल रहा हूँ। हमारा प्रदेश संगठन, मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय नेतृत्व, वो सारे बैठ करके इस पर चिंतन करेंगे, और अगर हमें महसूस होगा कि ये जगह जगह अपराध कारित कर रहे हैं और बजरंग दल के नाम पर, जैसे कई बार देखते हो आप जय श्री राम के नारे लगा के और बड़े से बड़ा ये अपराध कारित कर देते हैं, तो कांग्रेस पार्टी इनको छूट नहीं देगी। 1948 के अंदर, 1948 में जब महात्मा गांधी जी के नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, उस वक्त तत्कालीन जो गृहमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने आरएसएस पे बैन लगा दिया था। और आज जिस तरह से ये आरएसएस बजरंग दल में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को भर्ती करके जिस तरह के अपराध करते हैं, मॉब लिंचिंग करवाते हैं, धर्म के नाम पर लोगों के साथ मारपीट करते हैं, लोगों की हत्या कराने की साजिश करते हैं, उस बात का विरोध कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है। और उन्होंने कहा है कर्नाटक में कि जिस तरह से जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी हम लोग इस संगठन पे बैन करेंगे। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने गोदी मीडिया के माध्यम से गलत प्रचार करती है। आज मुझे दुख होता है कि इस देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि बजरंग बली के ताला लगा रहे हैं, पहले राम जी का ताला लगा दिया था। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर यदि हमें प्रजातंत्र को मजबूत रखना है तो हमें संविधान को मजबूत रखना पड़ेगा। और जो इन्होंने धर्म के नाम पर आग लगाकर संविधान को खत्म करने की साजिश करते हैं, ये लोग प्रजातंत्र को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया है, आरएसएस के लोगों को जगह जगह इन्होंने बिठा दिया है, और उसका परिणाम ये हुआ है कि पूरे अगर विश्व में देखेंगे तो आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसकी थूथू हो रही है, प्रधानमंत्री जी की थूथू हो रही है। इसलिए ये हर मुद्दे को घुमा फिरा करके और गलत रूप से जनता के सामने प्रसारित करते हैं, प्रचार करने का प्रयास करते हैं। हम उसका विरोध करते हैं और हम फिर कहना चाहते हैं कि ये वही पार्टी है जिसने आज़ादी दिलाई, यही पार्टी है जो संविधान के आधार पर इस देश को यहाँ तक लाई, और हम लोग जो ये गलत नीति के आधार पर देश को खंडन करना चाहते हैं, विखंडित करना चाहते हैं, ये कांग्रेस पार्टी इनका विरोध करेगी। और जैसे पहले अंग्रेजों को भगाया उसी प्रकार ये मोदी और अमित शाह जो हिटलर की चाल चल रहे हैं इनको भी सत्ता से बाहर करें। राजस्थान में भी बजरंग दल को बैन करेंगे क्या? राजस्थान में आप मान के चलिए कर्नाटक और राजस्थान कोई अलग अलग नहीं है, हम बिल्कुल अगर करना यहाँ भी अगर ये अपराध करेंगे और गलत काम करेंगे तो यहाँ भी हम लोग विरोध करेंगे। वो पार्टी बैठ के डिसीजन करेगी, क्योंकि मैं भी एक पार्टी का एक सिपाही हूँ। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो पार्टी के सिपाही के नाते बोल रहा हूँ। हमारा प्रदेश संगठन, मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय नेतृत्व, वो सारे बैठ करके इस पर चिंतन करेंगे, और अगर हमें महसूस होगा कि ये जगह जगह अपराध कारित कर रहे हैं और बजरंग दल के नाम पर, जैसे कई बार देखते हो आप जय श्री राम के नारे लगा के और बड़े से बड़ा ये अपराध कारित कर देते हैं, तो कांग्रेस पार्टी इनको छूट नहीं देगी।